हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास की ज्योग्राफी का 4th चैप्टर, जो कि है हमारा क्लाइमेट। इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ टॉपिक हम लास्ट वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज इसमें हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जो इससे पहले वाली वीडियो है उसमें हमने डिफरेंसेस पढ़े थे क्लाइमेट और वेदर के बारे में, एंड साथ ही साथ हमने उसके जो क्लाइमेटिक कंट्रोल्स हैं, जो मेजर 6 कंट्रोल्स हैं, उनके बारे में भी हमने डीपली प्रॉपर स्टडी किया था। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है उनको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ द इंडिया। इसके जो मेजर कंट्रोल्स थे उसको हम लास्ट वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करके रखते हैं। ये हमने प्रॉपर स्टडी किया था। उसमें हमने लैटिट्यूड पढ़ा था, एल्टीट्यूड पढ़ा था, ओशन करंट्स पढ़ा था, प्रेशर एंड विंड सिस्टम पढ़ा था, और सेम वही पॉइंट्स जिनको हमने क्लाइमेटिक कंट्रोल्स में पढ़ा था, सेम वही पॉइंट्स है हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, जो हमारे क्लाइमेट्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे कौन कौन से पॉइंट्स हैं? तो इसमें है हमारा लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, ओशन करंट, डिस्टेंस फ्रॉम सी, कॉन्टिनेंटल एंड रिलीफ फीचर्स। यही हमारे वो पॉइंट्स हैं जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट भी करते हैं। तो चलिए, हम अपना सबसे पहला पॉइंट है हमारा लैटिट्यूड, तो इसको स्टार्ट करते हैं कि इसका हमारे क्लाइमेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। लैटिट्यूड हमारे क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट डालता है। ओके, तो देखिए लैटिट्यूड, अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन करूं कि व्हाट इज लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या होता है, तो सिंपल हम इसको 2-3 वीडियो में हम सेम चीज को पढ़ चुके हैं। जो लाइन इस टाइप से लेटी हुई होती है वही क्या होते हैं हमारे लैटिट्यूड। हमारी अर्थ के ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइंस है, उन्हीं लाइंस को हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये रहा जो ये रेड कलर की आपको लाइन दिख रही है, या फिर ये जो डॉट डॉट में लाइन दिख रही है, ये क्या है हमारे लैटिट्यूड। क्या है ये हमारी, ये सारी सारी लैटिट्यूड, ये लाइन हमारी अर्थ पे है, बट ये सारी की सारी एक इमेजिनरी लाइन है। और जो लाइन इस टाइप से लंबी है, जो ये आपको रेड कलर की दिखाई दे रही है, ये है हमारी लॉन्गिट्यूड। जो लेटी हुई लाइन है लैटिट्यूड, जो लंबी लाइन है वो होती है हमारी लॉन्गिट्यूड। तो ये हमें पता है, कवर कर चुके हैं। हमने इसका जो फर्स्ट चैप्टर किया था इंडिया एंड साइज लोकेशन, उसकी भी वीडियो मैंने डाल दी है, तो आपको उसको भी देख सकते हो। तो उसमें हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को बहुत ही अच्छे से क्लियर करा था। आज उसके जो आगे के फैक्टर्स हैं उसको स्टडी करेंगे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 degrees 30 minutes, हाँ 30 minutes नॉर्थ, रन्स थ्रू द मिडल ऑफ द इंडिया, डिवाइडिंग द कंट्री इंटू द ट्रॉपिकल जोन साउथ ऑफ दिस लाइन एंड द सब ट्रॉपिकल जोन नॉर्थ ऑफ दिस लाइन। देखो, लैटिट्यूड की बात की जाए तो एक लैटिट्यूड ऐसा है जो हमारे कंट्री को, इंडिया को 2 equal parts में डिवाइड करता है, और वो लाइन जो इंडिया को 2 equal parts में डिवाइड करता है उस लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जिस डिग्री से वो इंडिया को 2 equal parts में डिवाइड करता है, वो डिग्री है आपकी 23 degrees 30 minutes नॉर्थ। उस जगह से इंडिया नॉर्थ और साउथ में डिवाइड हो जाता है। जो नॉर्थ जोन है आपका, जो नॉर्थ जोन है उसको सब ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है। इस लाइन के जो नॉर्थ में है उसको सब ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है, इस लाइन के जो साउथ में है उसको ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है। ओके, तो चलिए देखेंगे। ये देखिए, ये जो आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली, ये लाइन है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो येलो कलर की लाइन मैंने करी है, ये क्या है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उससे पहले मैं आपको देखो एक चीज बता देती हूँ, ये जो आप देख रहे हो ये अर्थ है। क्या है? ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ है। अर्थ को जो लाइन 2 equal parts में डिवाइड करती है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ये जो रेड कलर की आपको दिख रही है, ठीक है, इक्वेटर। और ये किस डिग्री पे करती है? 0 degrees पे अर्थ को 2 equal parts में डिवाइड करती है। ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। और एक लाइन ऐसी ही और है, ये है आपकी 23 degrees 30 minutes नॉर्थ।
और ये वाली जो लाइन है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। और सेम एक लाइन आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ये भी 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, क्योंकि ये साउथ में इसलिए साउथ है, इस लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला जाता है। ठीक है, ऊपर वाली लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाली लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये वाली लाइन नॉर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, साउथ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। और जो रेड कलर की आप लाइन देख रहे हो, ये इक्वेटर है 0 डिग्री पर, ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है वो इंडिया को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जो स्टार्ट होती है आपकी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और इस साइड में आकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ओके, ये है ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, ये आपका हो गया नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ जोन। ठीक है, साउथ जोन और ये हो गया आपका नॉर्थ जोन, ये नॉर्थ जोन और ये साउथ जोन। और एक चीज और, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इनके बीच का जो एरिया है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है, सॉरी, हाँ, ये वाला जो पूरा एरिया है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल जोन। और इसको फेरल लॉ भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फेरल लॉ, क्योंकि इसको सबसे पहले किसने बनाया था, इस चीज को जो मेजर किया था फेरल ने किया था, इसलिए इसको फेरल लॉ भी बोला जाता है, फेरल्स लॉ। ओके, और उसके बाद का जो ये वाला एरिया बचा, हम ये वाला जो एरिया बचा, नीचे ये जो एरिया बचा, इसको बोला जाता है सब ट्रॉपिकल। ठीक है, सब ट्रॉपिकल जोन। और ये भी क्या हो गया, सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, ये ट्रॉपिकल हो गया और ये सब ट्रॉपिकल हो गया, इसको हार्डली सेल बोला जाता है, क्या बोला जाता है इस जोन को, हार्डली सेल, एच ए डी, यहां लिख देती हूं मैं, हार्डली सेल। ठीक है, इस दो सब ट्रॉपिकल जोन को हार्डली सेल बोला जाता है और उसको फेरल लॉ बोला जाता है, उसको हार्डली लॉ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो हमने इसमें देखिए क्या पढ़ा था, हमने इसमें ये पढ़ा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से रन थ्रो करती है, मिडल ऑफ द इंडिया से, इंडिया के मिडल से ये लाइन होकर जाती है, डिवाइडिंग द कंट्री और इंडिया को डिवाइड करती है ट्रॉपिकल जोन में, जो कि साउथ ऑफ दिस लाइन होता है, एंड द सब ट्रॉपिकल जोन में, जो भी नॉर्थ ऑफ दिस लाइन होता है। देखिए, साउथ में ट्रॉपिकल है और नॉर्थ में सब ट्रॉपिकल है। तो ये रहा, जो नॉर्थ में ये वाला एरिया है, ये हो गया आपका सब ट्रॉपिकल। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, सब ट्रॉपिकल जोन। और साउथ में हो गया ये ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन। अब नॉर्थ को सब ट्रॉपिकल क्यों बोला गया, क्योंकि जो नॉर्थ का पार्ट है देखिए ऊपर जा रहा है, इंडिया आपका इस डायरेक्शन में लाई करता है, तो ये इधर आ रहा है, इसलिए साउथ ट्रॉपिकल भी हो गया और ऊपर जा रहा है, ये क्या हो गया हमारा, सब ट्रॉपिकल जोन हो गया। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो और देखते हैं इसमें क्या चीजें थी, द लाइन रन्स फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ वेस्ट में, मिजोरम ईस्ट में। और ये जो लाइन है देखिए कहां से कहां लाई करती है, ये जो लाइन है ये रहा, वेस्ट में रन ऑफ कच्छ और ईस्ट में मिजोरम, ईस्ट में मिजोरम से ईस्ट में मिजोरम तक जाती है, वेस्ट के रन ऑफ कच्छ, गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ है वहां से होकर ये लाइन जाती है। ऑल द रिमेनिंग एरियाज नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक लाइज इन द सब ट्रॉपिक्स एरिया। जो बाकी के एरिया बचे, जो बाकी के एरिया बचे यहां से ये बीच में, कुछ ट्रॉपिकल में आ रहे हैं और कुछ यहाँ सब ट्रॉपिकल में एरिया आ रहे हैं, जो किसके है, हमारे किसके है, ये है हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए फिर इसके आगे स्टार्ट करते हैं और इसमें क्या क्या चीजें हैं। देखिए, इंडिया इज सिचुएटेड रफली बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ एंड 37 डिग्री नॉर्थ
लैटिट्यूड, अगर अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया किन लैटिट्यूड्स के बीच में आता है? तो देखिए इंडिया किन लैटिट्यूड्स के बीच में आता है, ये वाली जो लाइन देख रहे हो आप, ये वाली, तो इंडिया आता है 8 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री नॉर्थ मतलब 8 डिग्री से और ऊपर ये जाता है आपका, ये रहा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। टॉप में ये दोनों ही जो लैटिट्यूड है, ऊपर का जो लैटिट्यूड आप नॉर्थ में देखोगे वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है और नीचे का 8 डिग्री नॉर्थ है। तो इन दो लैटिट्यूड के बीच में जो हमारा इंडिया है वो लाई करता है। इंडिया इज डिवाइडेड इंटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इंडिया को जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। देयरफॉर इंडियाज क्लाइमेट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और इंडिया का जो क्लाइमेट है, देखो आपको जो साउथ वाला मिलेगा वो ट्रॉपिकल जोन मिलेगा, नॉर्थ जो मिलेगा वो सब ट्रॉपिकल जोन मिलेगा। तो इंडिया के जो क्लाइमेट के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऐसे है कि आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही चीजें देखने को मिलती है। इसलिए इंडिया की जो कंडीशन है, इंडिया की जो सिचुएशन है, बाकी अदर कंट्री के अकॉर्डिंग हम देखें तो इंडिया बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन इंडिया में लाए करती है बाकी से। अगर इंडिया के कंपैरिजन करें, उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। आपको हर टाइप का वेदर, हर टाइप का क्लाइमेट इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, एक्सट्रीम भी देखने को मिलेगा आपको एंड साथ ही साथ आपको मॉडरेटिंग क्लाइमेट भी देखने को मिलेगा। जैसे कोस्टल रीजन जो होते हैं, कोस्टल रीजन में आपको मेनली मॉडरेटिंग क्लाइमेट इंडिया का देखने को मिलेगा। और कुछ जो डिस्टेंस फ्रॉम सी है, जो डिस्टेंस फ्रॉम सी है वहां पर आपको एक्सट्रीम चीजें फेस करने को मिलेंगी। लाइक जैसे कोस्टल रीजन में केरला है, केरला में आपको क्या देखने को मिलेगा, ना तो गर्मी बहुत ज्यादा है और ना ही विंटर बहुत ज्यादा है। अब डिस्टेंस फ्रॉम सी, अब दिल्ली देख लो, दिल्ली में आपको एक्सट्रीम तो विंटर है, एक्सट्रीम ही आपको समर फेस करने को मिलेंगी। और यहाँ का मानसूनी वेदर भी बिल्कुल डिफरेंट है। एक टाइम आता है मानसून का जिसमें बारिश होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती है, इंडिया के जो क्लाइमेटिक कंडीशन है और साथ ही उसके ऊपर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट डालते हैं, उसमें लैटिट्यूड का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि हमने अभी स्टडी कर दिया किन लैटिट्यूड्स के बीच में इंडिया लाई करता है, ऐसी कौन सी लाइन है जो कट करती है। सारी चीजें हमने कहाँ पढ़ ली, इंडिया के अंदर हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो लैटिट्यूड होते हैं ना, अलग ही रोल प्ले करते हैं, सारी चीजें लैटिट्यूड से ही होकर जाती है। किस लैटिट्यूड पे सनरेज कितनी पड़ रही है और उस सनरेज का वहां पड़ने का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। किस साइड में, किस लैटिट्यूड पे सनरेज नहीं पड़ रही, अगर उस साइड में अगर सनलाइट नहीं पड़ रही तब क्या होगा, और सनलाइट अगर ज्यादा पड़ रही है तब क्या होगा। एक छोटी छोटी सी जितनी भी सिचुएशन है ना, वो सारी की सारी एक अलग ही रोल प्ले करती है। तो देखिए जैसे कि सन है, सन अर्थ के लिए उसके एज अ पेरेंट्स काम करते हैं कि वो उसके पेरेंट्स है, उनकी जो सनलाइट अगर नहीं पड़ेगी तो क्या होगा। देखो सन है, जो सन की सोलर एनर्जी है वो पूरी अर्थ पे सेम नहीं पड़ती है। अब सन ऊपर और अर्थ नीचे नहीं है, आमने सामने इस टाइप से है, ठीक है। ऐसे अर्थ मूव करती है सन के चारों साइड, ऐसे 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 ऐसे। तो एक टाइम में सन की जो सोलर एनर्जी है अर्थ के सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट पर पड़ेगी, पूरी अर्थ पर नहीं पड़ती है। कहाँ पड़ेगी, सन के सिर्फ, अर्थ के सिर्फ एक पार्ट पर उसकी एनर्जी पड़ेगी, पूरी अर्थ पर नहीं पड़ती है। जहां जिस टाइम सन की एनर्जी अर्थ के जिस फेस पर पड़ रही है, मान लो ये अर्थ सन है और ये अर्थ है, अब सोलर एनर्जी इस फेस पे आ रही है तो यहाँ पर क्या हो गया, दिन हो गया। अब यही सन तो स्टेशनरी है, अर्थ जब मूव करते करते इसका बैक पोर्शन आ जाएगा तब बैक पोर्शन में दिन हो जाएगा और इसके फ्रंट साइड में क्या हो जाएगी, नाइट। जैसे कि आप यहां देखो, देखो सन यहां से जा रहा है इस वाले पूरे पार्ट पे, कौन सी लाइन ले, ऑरेंज लेते हैं, ठीक है। चलो ये वाला जो पार्ट है आप यहां से देख सकते हो, ये आपको ज्यादा ब्राइटर दिख रहा होगा, ये वाला जो पार्ट है ये डे है, और ये जो थोड़ा सा शेडो जोन भी दिख रहा है ये आपका नाइट है, क्योंकि जो सन की रेस पड़ रही है इस पार्ट पे पड़ रही है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, दिन। और इसके साथ ही जो सन की सबसे ज्यादा सनलाइट स्ट्राइक, मोस्ट डायरेक्टली सनलाइट पड़ती है, वो पड़ती है हमारी
इक्वेटर पे। अब कहोगे मैम ये लाइन इस टाइप से क्यों है, इस टाइप से इसलिए क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो हल्की सी टिल्टेड है, अर्थ हमारी कर्वेचर है और सबसे ज्यादा सनलाइट जो पड़ती है वो इस ट्रॉपिक जोन में पड़ती है, यहां से यहां तक सबसे ज्यादा जो सनलाइट होती है वो इस वाले पार्ट में पड़ती है और इसी को हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। सबसे ज्यादा सनलाइट यहां पड़ रहा है, इसके बाद के जो सब ट्रॉपिकल एरिया है सनलाइट तो जाती है वहां पर, बट लो एंगल ऑफ इनकमिंग सनलाइट मतलब इक्वेटर के अकॉर्डिंग वहां पर सनलाइट कम जाती है इसीलिए। और जो पोलार रीजन होगा यहाँ पर, और जब सनलाइट पड़ती है ना पोलार रीजन में किसी एक पोलार पर ही सनलाइट जाती है, या तो नॉर्थ पोल पर जाएगी या फिर साउथ पोल पर। अगर नॉर्थ पोल पर जा रही है तो साउथ पोल पर सनलाइट बिल्कुल भी नहीं जाएगी, तो इसलिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जब नॉर्थ पोल में दिन होता है तो साउथ पोल में 6 महीने के लिए रात होती है, और जब साउथ पोल में दिन होता है तो नॉर्थ पोल में, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल में 6 महीने के लिए आपकी नाइट होती है। ओके मतलब एक टाइम में सिर्फ एक ही साइड क्या पड़ती है, लाइट पड़ती है, जो सोलर एनर्जी है वो पड़ती है। ओके तो ये आप, और ये वाला जो एरिया है ये सब ट्रॉपिकल एरिया हो गया और ये वाला आपका ट्रॉपिकल एरिया हो गया। इतने में सनलाइट बहुत अच्छी पड़ती है और यही आपके डे एंड नाइट बताते हैं और यही आपके विंटर सीजन बनाते हैं। जब आपकी सनलाइट नॉर्थ साइड में ज्यादा होती है तब साउथ में आपके क्या होते हैं, विंटर। साउथ क्या फेस कर रहा होता है, साउथ फेसेस विंटर, एंड नॉर्थ में क्या होते हैं आपके, समर। और जब सनलाइट साउथ में ज्यादा पड़ती है, ठीक है, तो साउथ में ज्यादा पड़ रही है तो यहां पर क्या हो जाते हैं, समर, और नॉर्थ में हमारे विंटर। जैसे अब हमारे यहाँ आसपास में विंटर स्टार्ट होने वाले हैं, अब विंटर स्टार्ट होने वाले हैं तो मतलब अब जो सन है, सन की जो सनलाइट है वो किस साइड ज्यादा होगी, साउथ की साइड में ज्यादा होगी। अब वो नॉर्थ पोल की साइड में नाइट स्टार्ट होने वाली है। ओके आपको ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई है। अगर इसके बाद भी किसी को कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। सारी चीज के लिए कोई सन की स्टेशनरी है, सन स्टेशनरी है, कहाँ पर इसकी ज्यादा लाइट पड़ती है, कौन सा ट्रॉपिकल जोन है और कौन सा सब ट्रॉपिकल जोन है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब हमारा देखिए नेक्स्ट टॉपिक है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, वैसे तो हमने इन सभी टॉपिक्स को जब क्लाइमेटिक कंट्रोल्स पढ़े थे तो उसमें हमने इन सभी टॉपिक्स को कवर किया था, बट अब दोबारा से ये वो है जो हमारे क्लाइमेट्स को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने लैटिट्यूड पढ़ा तो उसमें हमें ये पता चल गया कि कैसे लैटिट्यूड हमारे सन को या हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट पड़ता है। जहां पर सनलाइट ज्यादा है, ठीक है, वहां पर लो प्रेशर ज्यादा बनेगा, जहां सनलाइट कम है वहां पर लो प्रेशर भी आपका कम बनेगा, मतलब वहां पर क्या होगा, वहां पर हाई प्रेशर बनेगा, और वो सारा का सारा फिर हम किस में पढ़ेंगे, प्रेशर विंड में, जिसकी वजह से लैटिट्यूड की वजह से हमारे पूरा का पूरी जो चेन होती है वो रिवर्सल में चेंज हो जाती है। चलिए लैटिट्यूड देखते हैं। माउंटेन्स ऑफ द नदर्न ऑफ इंडिया हैव एन एवरेज एलिवेशन ऑफ अबाउट 6,000 meters, वेयर एज ऑन द कोस्टल एरिया एज वेल एज आईलैंड मैक्सिमम एलिवेशन इज अबाउट 30 meters। देखिए माउंटेन्स देखें, अगर हम नॉर्थ इंडिया के माउंटेन्स देखें उनकी जो एलिवेशन है, उनकी जो हाइट है वो 6,000 meters के करीब तक है। कितनी है, 6,000 meters के करीब है। और वही हम कोस्टल एरिया का सी लेवल देखें तो वो कितना है, ओनली और 30 meters, और ये 6,000 meters, एक 6,000 meters है और एक कितना है, ओनली 30 meters। मतलब अगर हाइट देखे, एक की हाइट तो ये है और दूसरे की हाइट ये है, तो डिफरेंस है या नहीं है, क्या करो मैम बहुत ज्यादा डिफरेंस है, हाँ डिफरेंस तो है ही। तो ये जो हाइट है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एल्टीट्यूड। The India subcontinent experienced milder winter as compared to Central Asia because of the Himalayas which prevent the cold winds from entering the subcontinent. देखो जो इंडिया है, इंडिया जो एक सब कॉन्टिनेंट है वो माइल्डर विंटर फेस करता है, किसके कंपैरिजन में, कंपैरिजन टू सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के कंपैरिजन में इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में हमें वाइल्डर विंटर फेस करने को मिलते हैं। वाइल्डर विंटर मीन्स हमें कम सर्दियां फेस करने को मिलती है
और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? हिमालयस। हिमालय एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से हमें सर्दियां कम लगती हैं। अब बोलेंगे मैम हिमालय क्या कर रहा है, बल्कि वहां तो ठंड पड़ती है जिसकी वजह से हमें ठंड लगती है क्योंकि वहां पर बर्फ गिरती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बट अभी आप समझोगे कि वो कैसे काम करते हैं। विच प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स, क्योंकि वो प्रिवेंट करते हैं कोल्ड विंड्स को, कोल्ड विंड्स को वो रोक लेते हैं इंडिया में एंटर करने से। जब कोल्ड विंड इंडिया में नहीं आएगी तो उस सेंट्रल एशिया वाली जो विंटर्स है वो इंडिया में एंटर ही नहीं कर पाती है, फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट, तो हमारी कंट्री में एंटर नहीं कर पाते। अब इंडिया में एंटर नहीं कर पा रही तो विंटर्स भी हमारे यहाँ ज्यादा नहीं आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, द हिमालयस प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट। देयर इज डिक्रीज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 166 मीटर राइज इन हाइट। दिस इज द रीजन दैट हिल स्टेशन इन इंडिया आर कूलर देन प्लेन रीजन। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू हम पढ़ते हैं, जिससे आपको जो भी कंफ्यूजन है वो सारी की सारी ठीक हो जाएगी। देखिए उन्होंने क्या कहा था, 30 मीटर, 30 मीटर सी लेवल क्या था, थर्टी मीटर क्या है हमारा सी लेवल है, ये हमारा सी लेवल है। कितनी हाइट है इसकी, 30 मीटर हाइट है। और उसके बाद ये है हमारे माउंटेन्स, माउंटेन्स की हाइट कितनी थी, माउंटेन्स की हाइट थी हमारी 6000 मीटर। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को, इसी हाइट को हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं कि सरफेस लेवल से माउंटेन्स की हाइट कितनी है। ओके, या फिर सी लेवल से माउंटेन्स की जो हाइट है वो कितनी है, हाइट, हाइट, इसी को बोला जाता है एल्टीट्यूड। जब सरफेस लेवल से आप किसी की हाइट मेजर करते हो तो ऊंचाई मेजर करते हो, वही हमारी क्या होती है, एल्टीट्यूड होती है। तो आई होप आपको अब एल्टीट्यूड पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, होगी मेरे अकॉर्डिंग तो अब आपको कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। ठीक है, 30 मीटर, ठीक है, एल्टीट्यूड क्लियर हो गया, हाइट कितनी कितनी, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब मैं आपको ये बताती हूँ कि कोल्डर विंड्स को हिमालय कैसे प्रिवेंट करता है। अब हम इससे पहले माउंटेन्स बनाएंगे, क्या है ये, सब ऐसे बनाते हो भी, मेरे को तो ऐसे ही आता है, ये तो ऐसे बनाते हो। ठीक है, ये क्या है हमारे, ये हिमालयाज है। अब ये हिमालयाज है, हिमालयाज का ये जो ये है ये फुट प्लेन्स है, और फुट प्लेन्स के नीचे प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया क्या है, ये प्लेन एरिया है, या फिर इसमें मैप है, मैप के थ्रू देखते हैं। ये प्लेन एरिया हो गया। अब इस प्लेन एरिया में जो विंड्स हमारी फ्लो करती आ रही है, ये विंड्स है फ्लो कर रही है, ये है आपकी सेंट्रल एशिया की विंड, सेंट्रल एशिया की विंड है, ये फ्लो कर रही है। क्योंकि आपने देखा होगा इंडिया के बाहर अगर कंट्री में जाए, रशिया वगैरह हो गई, चाइना हो गई, तो वो सारी की सारी कोल्डर कंट्री है, वहां पर ठंड ज्यादा होती है। अब ये हवाएं चल रही है, हवाएं चल रही है इंडिया के नॉर्थ में, ये विंड्स चल रही है इंडिया के नॉर्थ में, विंड्स चल रही है। मान लो अगर हिमालयस नहीं होते तो ये जो विंड हिमालयस के नॉर्थ में चल रही है, ये इंडिया में फ्लो करती हुई आती या नहीं आती, बिल्कुल आती, कोई रोकने वाला इनको कोई थोड़ी है। अब वहां से जब ये विंड चली तो विंड कितनी ठंडी होंगी, क्योंकि वहां तो स्नो होती है, बिल्कुल बर्फ से जमे हुए एरिया है, तो बहुत ज्यादा ठंड होती। तो ये विंड अगर इंडिया में एंटर कर जाती, अगर मान लो यहाँ से ऐसे फ्लो करती हुई आ रही, अब यहाँ इसने रोक लिया, नॉर्थ में शिफ्ट कर दिया, तो ऊपर 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 फ्लो करके बाहर से ही बाहर निकल गई, क्योंकि ये जो हिमालयस थे इन्होंने उस विंड्स को प्रिवेंट कर लिया। अगर अब ये नहीं होते
मान लो हिमालयस है ही नहीं, ठीक है, अब हिमालयस है ही नहीं, अब ये जो, और ये हिमालयस है ही नहीं और ये है हमारा, ठीक है, और ये है हमारा इंडिया का पार्ट, यहाँ से कुछ देखो बच्चों इस पे मत जाना क्योंकि इतनी अच्छी है नहीं, ठीक है। अब मान लो यहाँ हमारे हिमालयास थे, अब जो कि है ही नहीं, मान लो हमने खत्म कर दिया, तो ये विंड डायरेक्ट एंटर कर जाती, ऐसे कर दिया, नहीं कर दी, इंडिया में एंटर करती, अब इंडिया में जो ठंडी विंड एंटर करती, कोल्ड विंड एंटर करती, तो पूरा एरिया क्या कर देती है, ठंडा, बिल्कुल कोल्ड कर देती। अब हिमालयस है यहाँ पर ऊंचे ऊंचे, तो ये इन विंड्स को एंटर ही नहीं करने देते इंडिया के अंदर, और ये हिमालयस के नॉर्थ नॉर्थ में बहती हुई इंडिया से बाहरी बाहरी विंड चली जाती हैं, जिसकी वजह से जो सेंट्रल एशिया की ठंड है वो इंडिया में एंटर नहीं कर पाती है और हम एक माइल्डर विंटर फेस करते हैं। क्लियर हुई चीजें कि हम माइल्डर विंटर क्यों फेस करते हैं? क्योंकि हम इसलिए माइल्डर विंटर को फेस करते हैं बिकॉज ऑफ जो विंड्स हैं सेंट्रल एशिया की, वो इंडिया में एंटर नहीं कर पाती ड्यू टू द हिमालयास, हिमालयास की वजह से वो विंड्स इंडिया में एंटर नहीं करवाती, वो उनको रोक लेता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन आई होप तो नहीं होगी, ठीक है। और देयर इज अ डिग्री ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 66 मीटर ऑफ हाइट, इसको भी समझ लेते हैं। अब ये जो डिग्री सेल्सियस है ये क्या था, ये हाइट है, हिमालयस माउंटेन्स ले लो, और ये 30 डिग्री 30 मिनट, ये 6000 मीटर और ये 30 मीटर, 1 डिग्री सेल्सियस 166 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है, ठीक है। मतलब जैसे यहां पर अगर 30 डिग्री है, ठीक है, कितना है यहाँ पर, अगर टेम्परेचर आपका 30 डिग्री है तो 166 मीटर की हाइट पे जाने के बाद यह 29 डिग्री होगा, फिर कितने डिग्री जाना, 166 मीटर, फिर यहां से 166 मीटर गए तो कितना हो जाएगा, ये 28 डिग्री, फिर 166 मीटर गए तो 27 डिग्री, फिर 166 मीटर गए तो 26 डिग्री, इस टाइप से एक एक डिग्री जो टेम्परेचर होता है वो हमारा कम होते 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 कम होता हुआ चला जाता है। इसीलिए जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड हाइट की तरफ बढ़ते जाएंगे, 166 मीटर की हाइट पे बढ़ेंगे, वैसे ही 1 डिग्री जो सेल्सियस है हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए सरफेस के कंपैरिजन में हमें हिल स्टेशन पे ज्यादा कूलर प्लेस देखने को मिलते हैं, जो हिल स्टेशन है वो ज्यादा ठंडे रहते हैं किसके कंपैरिजन में, प्लेन एरिया के, प्लेन एरिया के कंपैरिजन में हमें टॉप पर हाइट पर टेम्परेचर डिक्रीज देखने को मिलता है। हिल स्टेशन इसीलिए आपके ठंडे रहते हैं क्योंकि 166 मीटर की हाइट पे एक एक डिग्री सेल्सियस जो हमारा टेम्परेचर होता है वो क्या होता चला जाता है, डिक्रीज होता हुआ चला जाता है। तो ये था आपका लैटिट्यूड, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। बच्चे कोई भी डाउट हो तो कैन यू यू कैन आस्क, ठीक है। ये लास्ट, हिल स्टेशन इन इंडिया आर कूलर देन द प्लेन रीजन, इसीलिए हिल स्टेशन का जो रीजन होता है वो हमारे प्लेन एरिया से ज्यादा कूलर होता है। ये द हाइयर द रिलीफ लोअर द टेम्परेचर, ये, और हिमालय, इसे हिमालय को एक रिलीफ फीचर भी बोला जाता है क्योंकि हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, रिलीफ, ठीक है, क्या है, हिमालय हमारे लिए एक रिलीफ फीचर भी है। ओके, वैसे तो ये सारे ही हमारे रिलीफ फीचर है, कुछ ना कुछ हमें प्रोवाइड करा ही रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेशर एंड विंड सिस्टम, इसको थोड़ा सा ज्यादा समझने की जरूरत है, थोड़ा सा माइंड लगाना, ध्यान से फोकस करना, बुक्स को अपने साथ में लेकर बैठा करो, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रेशर एंड विंड सिस्टम, सरफेस विंड्स, फिर अपर एयर सर्कुलेशन, फिर वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। एक एक करके हम तीनों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेशर एंड
सरफेस विंड। अब प्रेशर एंड सरफेस विंड क्या है? द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन गवर्न द क्लाइमेट। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली सरफेस विंड। इंडिया कहाँ लाए करता है? इंडिया जहां लाए करता है वहां पर आपको नॉर्थ ईस्टर्ली सरफेस विंड देखने को मिलती है। दीज विंड्स ओरिजिनेट ड्यूरिंग विंटर फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बैंड ऑफ द नदर हेमिस्फेयर। देखो इसमें कुछ वर्ड है, मैं उनपे अंडरलाइन करती हूँ, जैसे नॉर्थ ईस्टर्ली सरफेस विंड, ठीक है। विंड्स ओरिजिनेट ड्यूरिंग विंटर, ये कब कब ओरिजिनेट हो रही है? विंटर में। किस एरिए में? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, हाई प्रेशर बैंड ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये कुछ वर्ड हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्ली सरफेस विंड्स हो गया, विंटर हो गया, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर बैंड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। एक एक करके हम एक एक वर्ड को उठाएंगे और उसके साथ साथ हम उसके मीनिंग को भी समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम नॉर्थ ईस्टर्ली सरफेस विंड क्या होती है। विंटर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, उसके बाद नॉर्थ हेमिस्फेयर। नॉर्थ ईस्टर्ली सरफेस विंड ये समझते हैं क्या है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्ली सरफेस विंड, उसके बाद में क्या था हमारा? उसके बाद में था विंटर। विंटर के बाद में क्या था हमारा? विंटर के बाद में था हमारे पास में एक नेक्स्ट वर्ड जो था, हाँ, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। हाई प्रेशर और नेक्स्ट था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखिए ये चार वर्ड है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, हाई प्रेशर बेल्ट था ना, हाई प्रेशर बेल्ट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाई प्रेशर बेल्ट क्या होती है, नॉर्थ ईस्टर्ली सरफेस विंड क्या होती है। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाती हूँ, वो समझिए, उससे आपको बेल्ट समझ में आएगा। देखो ये जो चैप्टर है आपका ना, क्लाइमेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिसको ज्योग्राफी नहीं भी पसंद है, अगर वो डीपली इन चीजों को पढ़ेगा, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ आपको पढ़ के नींद आने वाला सब्जेक्ट नहीं है कि आप जैसे बाकी अदर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हाँ भाई नींद आ रही है चलो सो जाए, वो सब्जेक्ट नहीं। अगर आप उसको डीपली थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ते हो तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और आप में एक क्यूरियोसिटी होगी कि हाँ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट बनता है। ज्योग्राफी ये सब्जेक्ट है, अब आप उसमें, मैं आपको ऐसा समझाऊंगी जो आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएगा। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं इस चैप्टर के जो कट हो चुके हैं, जो आपके सिलेबस में आ ही नहीं रहे हैं, बट इन चीजों को समझने के लिए आपको उन टॉपिक्स को भी थोड़ा थोड़ा सा समझाओगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस से वो बाहर है, बट थोड़ा बहुत उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर वो नहीं समझोगे तो आपको चैप्टर समझ नहीं आएगा। तो जैसे कि इसमें है प्रेशर बेल्ट, प्रेशर बेल्ट का टॉपिक आपकी बुक में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा। ये आपका अर्थ है और ये साइड में आपका क्या है बता दो जल्दी, सन है। और इसमें एक लाइन है जो जाती है जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं इस लाइन को हम? इक्वेटर। और इसके ऊपर की जो एक लाइन होती है जिसको हम ट्रॉपिकल बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये वाली एरिया देखो, जब सन है, सन सबसे ज्यादा यहां पड़ रहा है, सन की जो सनलाइट है वो किस पे पड़ रही है? जीरो डिग्री पे। तो लो प्रेशर कहाँ क्रिएट हो रहा है बताइए? लो प्रेशर यहां पर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये रहा लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और ये विंड्स कहां तक जाएंगे? ये विंड्स यहां तक जाएंगे जहां इनको हाई प्रेशर मिलेगा, वहां तक गई, फिर ये सबमर्ज हो गए, फिर ये ऐसे ऐसे मूव करती रही, ठीक है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर। यहाँ की भी हाई प्रेशर की विंड किधर जाएंगी? लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट करेंगी, फिर ऐसे जाएंगी
ऐसे सबमर्ज करते करते मूव करते करते ऐसे सेटल, ठीक है। ऐसे हमारी क्या चलेगी, ये जो लो प्रेशर का एरिया है इसमें ऐसे ऐसे राउंड 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 ये चीजें आपकी मूव करेंगी। समर के टाइम में ये जो सब ट्रॉपिकल देखो हाई प्रेशर जो बेल्ट है ये शिफ्ट हो जाता है, कहाँ शिफ्ट हो जाता है ये आपका, ये शिफ्ट हो जाता है सब ट्रॉपिकल की साइड में। इक्वेटर तो अपनी जगह पर है, ठीक है, ये यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाता है। क्यों शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो सन की रेज है, मैंने क्या बताया था, विंटर यहाँ पड़ते हैं, जब इस जगह पर विंटर है तो यहां पर क्या होंगे आपके समर, इस जगह पर समर होंगे, ये बेल्ट शिफ्ट करके ऊपर चली जाती है। तो जो लो प्रेशर यहां बन रहा था अब वो लो प्रेशर यहां बनेगा, मतलब यहां से बनेगा, क्योंकि इक्वेटर पे तो ऑल टाइम सन रहती है, जो यहां से स्टार्ट था वो अब यहां से स्टार्ट हो जाएगा ऊपर से, और हाई प्रेशर में जाकर इस टाइप से ये सर्कल सर्कल में ऐसे ऐसे मूव करने लगेगा। तो जो हाई हमारी जो बेल्ट थी इसको ITCZ बेल्ट बोलते हैं, ये समर के टाइम में ऊपर शिफ्ट कर जाती है, विंटर के टाइम में ऊपर से ये नीचे के साइड में शिफ्ट कर जाती है बेल्ट, इसी को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। समर में ये ऊपर शिफ्ट करती है, विंटर में ये नीचे शिफ्ट करती है। तो अपने माइंड में अभी सिर्फ इतनी सी चीज रखना कि ये जो बेल्ट है समर के टाइम में ऊपर शिफ्ट कर जाती है, विंटर के टाइम में बेल्ट नीचे की साइड साउथ की साइड में शिफ्ट कर जाती है। समर के टाइम में सब ट्रॉपिकल एरिया में बेल्ट चली जाती है, सब ट्रॉपिकल नॉर्थ में बेल्ट चली जाती है, और विंटर के टाइम में सब ट्रॉपिकल साउथ में ये वाली बेल्ट शिफ्ट कर जाती है। आई होप आपको इतनी चीजें अभी सिर्फ माइंड में रखना, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्टर्नली सरफेस विंड, ठीक है, अर्थ है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री पर, नॉर्थ ईस्टर्नली सरफेस विंड है कब की, विंटर की, ठीक है। जब हमने इंडिया साइज एंड लोकेशन पढ़ा था तो उसमें हमने कुछ मानसून वगैरह के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, नॉर्थ ईस्टर्नली विंड चलती है कब, विंटर के टाइम में, विंटर के टाइम में नॉर्थ ईस्टर्नली विंड चलती है, मतलब इस साइड से विंड आती है, ऐसे आती है विंड, ठीक है, क्योंकि ये जो बेल्ट थी हमारी कहाँ शिफ्ट कर गई, साउथ की साइड में शिफ्ट कर गई है बेल्ट। मैंने बताया था समर में ऊपर रहती है और विंटर में ये बेल्ट नीचे आ जाती है, जब ये बेल्ट नीचे आ गई तो लो प्रेशर यहां बन रहा है, यहां बनेगा ना लो प्रेशर, और हाई प्रेशर यहां बनेगा, तो हाई प्रेशर से सारी विंड किस साइड आएंगी, लो प्रेशर की तरफ आएंगी। यहां पर अभी क्या बन रहा है, लो प्रेशर, और यहां पर क्या बन रहा है, हाई प्रेशर, तो लो सारी की सारी हाई प्रेशर की विंड किस तरफ आएंगी, लो प्रेशर की तरफ आएंगी। इसलिए विंटर में जो विंड्स होती है हमारी वो किस साइड से चलती है, नॉर्थ ईस्टर्नली सरफेस विंड, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्नली सरफेस विंड है जो लो प्रेशर की तरफ में आ रही है, ठीक है। नदन हेमिस्फेयर, और ये पूरा का पूरा किस में है, नदन हेमिस्फेयर में। फिर वो यही बताना चाह रहे थे कि जो हमारी विंटर के टाइम में जो विंड है नॉर्थ ईस्टर्नली विंड चलती है, विंटर के टाइम में जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड से आती है, जो भी विंड इस साइड से आ रही है नॉर्थ ईस्टर्नली साइड से आ रही है, इन विंड्स को बोला जाता है नॉर्थ ईस्टर्नली विंड, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्नली विंड, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्नली विंड्स इनको बोला जाता है, क्लियर है। और आप देखते हैं बाकी इसमें और क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। देखिए इंडिया लाइज इन द रीजन, इंडिया जहाँ जिस जगह लाई करते हैं वहां कौन सी विंड चलती है, नॉर्थ ईस्टर्ली सरफेस विंड। आपको पता चल गया नॉर्थ ईस्टर्ली, जो नॉर्थ ईस्ट से विंड्स आ रही है उनको नॉर्थ ईस्टर्ली सरफेस विंड बोला जाता है। दीज विंड्स ओरिजिनेट, और ये विंड्स ओरिजिनेट कब होती है, ड्यूरिंग विंटर के टाइम में, मैंने बता दिया ना लो प्रेशर नीचे बनेगा तो वो अपने आप ही ऐसे मूव करके विंड्स आ जाएंगी। फ्रॉम दीज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, क्यों, क्योंकि जो सब ट्रॉपिकल है हाई प्रेशर बेल्ट वो शिफ्ट हो जाता है, और लो प्रेशर पहले जहां बन रहा था अब वहां नहीं बन रहा। ऑफ द नदर हेमिस्फेयर, जो हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर ऊपर बन रहा है नदर हेमिस्फेयर में, और लो प्रेशर सदर हेमिस्फेयर में बन रहा है, जिसकी वजह से हम किस विंड्स को फेस करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स को हम फेस करते हैं। दीज विंड्स ब्लो साउथ गेट डिफ्लेक्टेड
टू द राइट ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स एंड मूव टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर रीजन. अब ये जो विंड है देखो साउथ गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स एंड मूव टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर रीजन. अब ये किसकी बात थी? अब ये वाली चीजें तो हमने समझ ली सारी की सारी. अब हम समझेंगे कि ये जो विंड्स है ये मूव कैसे कर जाती है. देखो अभी हमने बताया कि ये विंड्स ऐसे आ रही है, यहां से भी विंड ऐसे चलती है, ठीक है. जैसे आप यहाँ डायग्राम देखो, डायग्राम है ये इंडिया है, ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड है, ऐसे विंड आ रही है, ठीक है. ये क्या आ रही है? आपकी विंड्स आ रही है. ये आपका इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटर है 0 डिग्री पर, इक्वेटोरियल लॉ. अब ये जो विंड है सब ट्रॉपिकल हाई, यहां पर हाई प्रेशर बन रहा है, नदर हेमिस्फीयर ऐसे विंड आ रही है, ठीक है. इनको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड. यहां से जो विंड्स चल रही है साउथ वेस्ट ट्रेड विंड जो चल रही है, यहां से भी तो विंड्स जाएंगी. हाई प्रेशर से लो प्रेशर आई, फिर लो प्रेशर से ऊपर जा रही है. समर के टाइम में, कब? समर के टाइम में, समर के टाइम में साउथ वेस्ट जो विंड होती है ना, इनको ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जानी चाहिए, बट ये ऐसे जाती है, ठीक है. ठीक है, कैसे जाती है? जाना तो इनको ऐसे चाहिए, बट ये जाती ऐसे है. और यही विंड हमारी मॉनसूनी विंड होती है. क्या होती है? मॉनसूनी विंड. अब बोलोगे मैं मिक्सर में तो ऐसे दिखा रखा है, बट ये ऐसे मूव होके क्यों जा रही है? इसका रीजन ये, देखो जब भी हम राउंड राउंड भी घूमते हैं, जब हम ऐसे गोल गोल घूमते हैं, अगर हम अपने हाथ को इस टाइप से स्ट्रेट करके रखते हैं, तो अगर हम ऐसे घूमे तो क्या हमारे हाथ बिल्कुल ऐसे रहता है? ये इस टाइप से पीछे या आगे होते हैं? आगे तो नहीं होते, पीछे ही होते हैं इस टाइप से. ऐसा क्यों होता है? जब हम मोशन में होते हैं या गाड़ी में चलते हुए आप कोई कप ग्लास कुछ भी आप उसको ड्रॉप करते हो, छोड़ते हो, तो वो डायरेक्ट वहीं गिर जाता है या थोड़ा सा पीछे जाकर गिरता है, ठीक है. बस ट्रेन में जब बैठे होते हैं, बाहर कोई चीज फेंकने की कोशिश करते हैं, तो हमारा हाथ ऐसे होता है, वो ऐसे जाता है. जब भी कोई चीज मोशन में हो और आपको कि कोई चीज चल रही है या गिर रही है, तो हमेशा बैकवर्ड जाएगी, पीछे की साइड जाएगी. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स काम करती है जिसको कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं. जब हम मोशन में रहते हैं तो उस पर कोरियोलिस फोर्स काम करती है, जिसकी वजह से वो चीज मूव हो जाती है. जो कि यहाँ पर इस विंड्स पे भी कौन सी फोर्स लग रही है? कोरियोलिस फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से ये विंड्स डायरेक्ट इस टाइप से ना जाकर ये इस टाइप से मूव हो जाती है. और यही होती है हमारी मॉनसूनी विंड. अब देखिए ऊपर से जब नॉर्थ ईस्टर्ली विंड आ रही थी, तो नॉर्थ ईस्टर्ली में तो सारा लैंड एरिया है. क्या है? सारा का सारा लैंड एरिया है, तो वहां तो ड्राई रीजन है. तो वहां से जो विंड्स आ रही थी वो ऊपर से आ रही, तो वो क्या लेकर आ रही है अपने साथ? थोड़ा सा कूलर विंड लेकर आ रही है, क्योंकि हिमालयाज है ऊपर, तो थोड़ा सा ठंडा एरिया है, स्नो वगैरह, तो वहां से ठंड वाली विंड आ रही है. और जब ये नीचे से जाती है तो नीचे आसपास में क्या है? ओशियंस है. क्या है हमारे पास? ओशन. तो ये जो जब ये विंड ओशन से होकर जाती है, तो अपने साथ में ये क्या लेकर जाती है? मॉइस्चर लेकर जाती है. और जहां तक ये फ्लो करके जाती है, जहां उनको हिमालय माउंटेन्स आ गए उससे टकराती है और क्लाउड की फॉर्मेशन करती है, एंड क्लाउड की फॉर्मेशन के बाद वहां पर प्रिसिपेट कर देती है, प्रिसिपिटेशन कर देती है, जिसकी वजह से बारिश हो जाती है. तो ये ऐसे टर्न हो जाती है. और टर्न होने का रीजन क्या है आपका? कोरियोलिस फोर्स. ऐसा ये समर के टाइम में होता है, क्योंकि जो हमारी जो बेल्ट होती है प्रेशर बेल्ट, पहले वो विंटर में नीचे साइड बन रही थी, अब वो प्रेशर बेल्ट ऊपर बनने लगी, जिसकी वजह से ये विंड जो सीधी जा रही थी, अब वो ऐसे टर्न होके लो प्रेशर की तरफ जा रही है, ठीक है. लो प्रेशर की तरफ जा रही है, फिर उसको हाई प्रेशर की तरफ ऐसे मूव होकर ऐसे आ रही है, जो कि आप यहाँ पर भी देख रहे हो. इनके बीच में जो दोनों विंड चलती है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड बोला जाता है. जो ये वाली विंड्स आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा है? हाई प्रेशर बन रहा है ना यहाँ पर. इनको बोला जाता है वेस्टर्ली विंड्स, और उसके ऊपर जो पोलार रीजन में चलती है उनको पोलार ईस्टर्लीज बोला जाता है. नीचे भी पोलार ईस्टर्लीज, इनको वेस्टर्लीज विंड, इनको साउथ ट्रेड विंड्स, ठीक है. अब यहां पर क्या बन रहा है? यहां पर लो प्रेशर बन रहा है, तो इवन हाई प्रेशर की तरफ जाकर ऐसे ऐसे मूव करती रहती है, ठीक है. ये रहा ओशन हमारे, जब ये विंड यहां से जाती है तो ऐसे मूव करती है, ऐसे, वैसे ऐसी आनी चाहिए, ठीक है, ऐसे आना चाहिए इन विंड्स को, ऐसे. बस ये ऐसे ना आकर
ये ऐसे मूव करती हैं, ठीक है, ऐसे मूव करती हैं, और जिसकी वजह से अपने साथ ओशन के थ्रू होकर जा रही है, तो वहां से मॉइस्चर लेकर जाती है, और जिसकी वजह से क्या हो जाती है, बारिश। हमारी कंट्री में प्रेसिपिटेशन होता है, तो ये भी एज अ रिलीफ फीचर काम करती है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। किसके वजह से हो जाता है हमारा? कोरियोलिस फोर्स की वजह से। कोरियोलिस फोर्स को टुवार्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर रीजन, इक्वेटोरियल पे जहां पर लो प्रेशर रीजन बनता है, वहां से ये विंड चलने फ्लो करती है। ठीक है। दीज विंड्स ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड एंड हैंस कैरी वेरी लिटिल मॉइस्चर। और ये विंड वहां से किसकी तरफ जाती है? ये विंड वहां से होती ही ऐसे जा रही है, फिर ऐसे करके ये ओशन की तरफ से लैंड की तरफ जाती है। ठीक है। ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड, लैंड की तरफ में जाती है और अपने साथ लिटिल मॉइस्चर होल्ड कर कर रखती है। क्या लेकर जाती है अपने साथ? खाली विंड्स अकेले नहीं जाती, वो अपने साथ में किसको लेकर जाती है? मॉइस्चर को लेकर जाती है। देयर फोर दो ब्रिंग नो रेन और वेरी लिटिल रेन, और उसके बाद वो क्या करती है, वहां पर रेन कर देती है। द यूनिक फीचर ऑफ इंडियन प्रेशर एंड विंड कंडीशन, इट इज कंप्लीटली रिवर्सल। और यही चीजें जो होती हैं इंडियन प्रेशर एंड विंड कंडीशन में, यही चीजें रिवर्सल होती रहती हैं, बार 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 यही चीजें दोबारा होती रहती है। ड्यूरिंग विंटर हाई प्रेशर एरियाज डेवलप ओवर द एरियाज नॉर्थ ऑफ द हिमालयस। अगर हम हिमालयस की बात करें तो चलिए देखते हैं, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये हिमालयस हमारे किस साइड लाई करते हैं? हिमालय हमारे इस वाली डायरेक्शन में आए करते हैं। तो हिमालयस के ऊपर वाला जितना भी एरिया होता है, वो सारा का सारा हमारा हाई प्रेशर एरिया हो जाता है। इवन जो हिमालय का पार्ट है, ये भी हमारा क्या हो जाता है? हाई प्रेशर एरिया। ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से हमारा ये वाला पार्ट हाई प्रेशर एरिया हो जाता है? उसका रीजन ये है कि जो हमारे बेल्ट होती है, जो सोलर एनर्जी आती है, वो सोलर एनर्जी की बेल्ट जो होती है, वो शिफ्ट होकर विंटर के टाइम में हिमालय के साउथ में चली जाती है। मान लो ये वाली हमारी इक्वेटर लाइन है, ये हमारा इक्वेटर है, और जो सन की रेज होती है वो डायरेक्टली किसके ऊपर पड़ती है? वो डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर पड़ती है। जब इंडिया के अंदर समर्स आते हैं, उस टाइम मान लो ये सन है और डायरेक्ट सोलर रिलेशन इस पे पड़ रही है। जब इंडिया के अंदर समर आते हैं, तो जो इनकी ये जो ट्रॉफ होती है, ये जो बेल्ट है, ये शिफ्ट होकर समर के टाइम में किस साइड शिफ्ट हो जाते हैं? ये समर के टाइम में हिमालय के नॉर्थ में चले जाते हैं। समर के टाइम में ये बेल्ट शिफ्ट होकर हिमालय के नॉर्थ साइड में चला जाता है। ऐसा क्यों होता है कि नॉर्थ में चला गया? ऐसा इसलिए होता है, देखो जो मैंने आपको लो प्रेशर और हाई प्रेशर समझाया था, क्योंकि इस टाइम पे जो हाई प्रेशर है वो हमारा और ज्यादा ऊपर बनता है। हाई प्रेशर हमारा ऊपर की साइड बनता है, हिमालय के नॉर्थ में बनता है। किस टाइम में? समर में। समर में कहाँ बन रहा है? हिमालय के नॉर्थ में बनता है। तो इस साइड से जो भी विंड्स होती है ना, वो इस डायरेक्शन में मूव करती है। समर के टाइम में आपकी जो विंड्स है वो किस डायरेक्शन में मूव करती है? इस डायरेक्शन में मूव करती है। ये ऐसे हैं, बट कोरोलिस फोर्स की रीजन की वजह से, कोरोलिस फोर्स की वजह से इनकी जो डायरेक्शन है वो मूव करके चली जाती है। इसीलिए इनको वेस्टर्नली, साउथ वेस्टर्नली विंड्स भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि समर के टाइम में इस टाइप से मूव करती है। वैसे तो ये ऐसे चलती है, बट कोरोलिस फोर्स की वजह से ऐसे मूव कर जाती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? साउथ वेस्टर्नली विंड्स। अब यहाँ पर ये जो बेल्ट शिफ्ट हो गया है, किस साइड शिफ्ट हुआ है? हाई प्रेशर एरिया हमारा सारा किस साइड बन रहा है? हिमालय के नॉर्थ में बन रहा है। हिमालय के नॉर्थ में हाई प्रेशर बनने की वजह से ये बेल्ट हमारा इस साइड शिफ्ट हो गया, और यहां से जो स्ट्रीम विंड्स ऐसे चल रही थी, अब वो इस साइड से मूव होके चलने लगी। तो वो किस साइड से जाती है? वो हमारी फ्लो करती हुई जा रही है साउथ वेस्ट से, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? साउथ वेस्टर्नली विंड्स। साउथ वेस्टर्ली विंड्स। देखो समर में समर के टाइम में जो हमारे हाई प्रेशर बेल्ट है वो किस साइड बनता है? नॉर्थ टू द हिमालयस।
नॉर्थ टू द हिमालयस। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो हाई प्रेशर है वो हमारा ऊपर की साइड में बनता है, हिमालय के नॉर्थ में हाई प्रेशर बनता है। और देखिए हिमालय के नॉर्थ में हाई प्रेशर बनने का भी बहुत अच्छा रीजन है। मान लो कि अगर वो हिमालय के साउथ में बनता समर में, तो उस टाइम में क्या होता, जो ये विंड्स यहाँ पर फ्लो करती हुई जा रही हैं, अगर ये फ्लो करती हुई जा रही है और हाई प्रेशर साउथ में बन रहा है हिमालय के यहाँ पर बन रहा है, तो यहां से ये टकरा जाती हिमालय के साउथ से और वो बारिश इंडिया में हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज्यादा विंटर आपको फेस करनी पड़ती। बट नॉर्थ में होने का फायदा ये है कि सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं, देखो हिमालय के हाई प्रेशर नॉर्थ में बनना साउथ में बनना दोनों हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। क्यों? उसका रीजन ये है कि जब ये बेल्ट, ये विंड फ्लो करती हुई समर में जा रही है, ठीक है, किस डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ में जा रही है, यहाँ पर इंडिया से बाहर वो विंड्स नहीं निकल पाती। और उसका रीजन ये होता है कि वो जो बारिश होती है वो पूरे के पूरे इंडिया में हो जाती है। अगर ये हमारे बेल्ट ना होते, ये हिमालयस ना होते, तो वो जो वाटर मॉइस्चर होता है वो उसको होल्ड करके इंडिया से बाहर चली जाती और कहीं चाइना में जाकर वो बारिश कर रही होती। बट हिमालय की वजह से ये जो बारिश होती है इंडिया के, इंडिया में ही हो जाती है। अब बात करते हैं कि ये जो आपका हाई प्रेशर है, अगर ये साउथ में बने, हिमालय के साउथ में बने, कब बनता है हिमालय के साउथ में, विंटर में, साउथ टू द हिमालय, साउथ टू द हिमालयस, कब बनता है साउथ टू द हिमालयस, इन विंटर, विंटर के टाइम में, ये है आपका साउथ टू द हिमालयस बन रहा है विंटर में। अब विंटर में ना, तो विंटर में बनने का भी बहुत अच्छा प्रॉफिट है, साउथ टू द हिमालयस बेल्ट आ जाती है तो जो विंड्स होती है ना वो विंड्स इस साइड से फ्लो करती है, किस साइड से फ्लो करती है, इस साइड से, ये वाली जो विंड्स आप देख रहे हो ये इस साइड से फ्लो कर रही है, क्योंकि इस एरिया पे क्या बन रहा है, अब इस एरिया पे बन रहा है आपका हाई प्रेशर। और जो ये सारा क्या है, हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होता है, ऐसे चलती है ना चीजें, ये है आपका लो प्रेशर और ये है आपका हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर से चीजें लो प्रेशर की तरफ आती है, ठीक है। तो जो हाई प्रेशर की विंड है, अब लो प्रेशर नीचे की साइड बन रहा है ना, लो प्रेशर नीचे बन रहा है तो सारी की सारी विंड इस साइड में, सारा एरिया हाई प्रेशर का, तो यहाँ की सारी विंड लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होंगी, तो इसलिए इनको जो इस विंटर में जो विंड फ्लो करती है उनको ईस्टर्ली विंड बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ईस्टर्ली विंड, इस टाइप से ये आपकी ईस्टर्ली विंड्स है, जिनको नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड्स विंड्स भी बोला जाता है। अब यहां पर जेट स्ट्रीम फ्लो करती है, अब ये जेट स्ट्रीम फ्लो कर रही है, और अगर ये जेट हिमालय के साउथ में, अगर विंटर में ये हाई प्रेशर लो प्रेशर बेल्ट ना बनी होती, यहां पर विंड ना होती, तो ये जेट स्ट्रीम इंडिया के अंदर एंटर कर जाती। बट इंडिया के इस वाले एरिया में लो प्रेशर बनने की वजह से ये जो विंड्स है ये फ्लो करती हुई आगे चली जाती है और इंडिया में जेट स्ट्रीम एंटर नहीं कर पाती है। उसका रीजन क्या है, इंडिया में इसलिए एंटर नहीं कर पाती है क्योंकि यहाँ पर एक हाई प्रेशर, सॉरी लो प्रेशर बेल्ट बना हुआ है, जिसके में सारी की सारी विंड यहाँ अट्रैक्ट करती है, जो जेट स्ट्रीम फ्लो करती है वो इंडिया से बाहर चली जाती है और इंडिया में वो एंटर नहीं कर पाती ड्यू टू द हिमालय, हिमालय की वजह से वो विंड से इंडिया में एंटर नहीं कर पाती, कौन सी, जेट स्ट्रीम, ओके। और यहां पर ये कौन सी विंड चलती है, ईस्टर्ली विंड्स, ओके। बाकी दिस कॉजेस कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम द एरियाज टुवर्ड लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशियन टू द साउथ। और इसका रीजन क्या होता है, जो कोल्ड ड्राई विंड्स हैं वो किस साइड ब्लो करती हैं, वो ब्लो करती हैं टुवर्ड्स लो प्रेशर एरिया की वजह से, ओवर द ओशियन टू द साउथ। अब इसका रीजन क्या हुआ, जो हमारे ड्राई विंड्स हैं, अब मैंने आपको बताया था ना ड्राई विंड किस साइड से फ्लो करती है, ड्राई विंड फ्लो करेंगे विंटर में साउथ में, अब यहां पर क्या बना है आपका लो प्रेशर, लो प्रेशर विंड कर रहा है तो ये इस साइड में विंड फ्लो करेंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड आती है, ठीक है। जो हमारे ड्राई विंड्स है वो किस साइड फ्लो कर रही है, ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम द एरियाज टुवर्ड्स द लो प्रेशर, लो प्रेशर की तरफ फ्लो कर रही है, उस साइड से आ रही है और नीचे वाला सारा एरिया क्या, ओशियन के साउथ, ओशियन टू द साउथ, ठीक है।
इन समर अ लो प्रेशर एरिया डेवलप ओवर द इंटीरियर एशिया एज वेल एज ओवर नॉर्थन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. अब जो समर के टाइम में है, समर के टाइम में हमारा जो लो प्रेशर एरिया होता है, समर के टाइम में लो प्रेशर एरिया ऊपर हो जाता है, ठीक है, ऊपर शिफ्ट हो गया लो प्रेशर एरिया, इस साइड शिफ्ट हो गया. तो ये जो हमारा वेस्टर्न एशिया वाला पार्ट होता है और ये जो सेंट्रल एशिया वाला पार्ट होता है, यहाँ पर हर जगह हमें हल्की फुल्की जो समर है वो फेस करनी पड़ती है. ओके, तो ये था आपका, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी. देखिए सिंपल अगर मैं बताऊं तो जो लो प्रेशर का एरिया है समर में बनता है, ये है आपका कौन सा लो प्रेशर एरिया समर में कहां बनता है, नॉर्थ टू द हिमालय. समर समर में नॉर्थ टू द हिमालय, और ये लो प्रेशर एरिया जब शिफ्ट कर जाता है नीचे की साइड में, ठीक है, हिमालय के साउथ, तो ये होता है विंटर, साउथ टू द हिमालय. साउथ टू द हिमालय, ठीक है. इन समर लो प्रेशर एरिया डेवलप ओवर इंटीरियर एशिया एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. समझा चुकी हूं, ठीक है. देखिए ये है, ये है हमारा लो प्रेशर एरिया और ये है हमारा हाई प्रेशर एरिया. तो जो विंड है देखिए लो प्रेशर में ऐसे चलती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे चल रही है विंड, लो प्रेशर से हाई प्रेशर में जाती है. और यहाँ यहाँ पर क्या बन गया आपका, लो कोल्ड प्रेशर बन गया, यहाँ पर लो प्रेशर बन गया, यहाँ पर हाई प्रेशर, और यहाँ विंड कैसे चल रही है, यहाँ ऐसे चल रही है. लो प्रेशर से विंड हाई प्रेशर की तरफ में जाती है. ठीक है, ठीक है. तो लो प्रेशर से विंड किसकी तरफ अटैक करती है, हाई प्रेशर की तरफ. अभी देखिए, इन समर ड्यू टू हाई टेम्परेचर लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया एंड ओवर नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया. ये सेम वही लाइन है जो भी हम पढ़कर आए हैं, ठीक है. समर के टाइम में जो हमारा हाई टेम्परेचर है, लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है एशिया के अंडर में, लो प्रेशर हिमालय के साउथ में होता है, तो नीचे की जो सारी विंड है वो ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करती है. जब लो प्रेशर होगा तभी तो ऐसे अट्रैक्ट करेगी. मान लो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और ये बन गई हमारी लो प्रेशर बेल्ट. तो लो प्रेशर बेल्ट है तो जो नीचे का हाई प्रेशर है उसके जो विंड होंगी वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से ऐसे टर्न होकर लो प्रेशर की तरफ इस टाइप से क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी, करेंगी या नहीं करेंगी, करेंगी ना. तो जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई हो जाता है. एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज ब्लो टुवर्ड्स दिस रीजन रिजल्टिंग इन कंप्लीटली रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन. इस चीज को जो हमने अभी तक पढ़ा, इस चीज को क्या बोलते हैं, रिवर्सल विंड डायरेक्शन. पहले विंड नॉर्थ ईस्टर्ली चल रही थी, ठीक है, कब, विंटर में, जब हाई प्रेशर, जब लो प्रेशर कहां बन गया था, लो प्रेशर यहां बन रहा था और यहां पर क्या था, हाई प्रेशर था. तो हाई प्रेशर की वजह से जो हमारी विंड्स थी वो लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी. और यही चीज जब ये लो प्रेशर यहां बन जाता है तो यहाँ का जो हाई प्रेशर है वो विंड ऐसे टर्न हो जाती है, ठीक है. ये है आपका विंटर और ये है आपका कौन सा टाइम है, ये आपका, ये देखिए इसमें समर, ठीक है. आई होप आपको लो प्रेशर हाई प्रेशर किस टाइम में कहां से विंड चलती है, किस टाइम में कहां कौन सी बेल्ट बनती है, सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है. इसके थ्रू आप देख सकते हो,
ध्यान से देखना, ये विंड यहां से तब आएंगी जब लो प्रेशर आपका इस एरिया में बनेगा, सब ट्रॉपिकल। यहां आपका क्या बन रहा है? लो प्रेशर। तब विंड ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, विंटर के टाइम में ऐसे। और जब आपका इस जगह पर लो प्रेशर बन रहा है तब ये विंड ऐसे जा रही है। क्लियर है? सिर्फ ये इतनी सी बातें इस टॉपिक में, बस ये ध्यान रखना है किस टाइम पीरियड पे कहां पर कौन सी विंड बनती है। एज दीज विंड्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ऑफ सदर्न इंडिया ओशन क्रॉसेस द इक्वेटर एंड टर्न्स राइट टुवर्ड द लो प्रेशर एरिया ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जो विंड्स होते हैं फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया की, वो सदर्न इंडिया से ओशन को क्रॉस करते हुए कहां जाती है? इक्वेटर के पास। एंड टर्न्स राइट, और राइट में ऐसे करके टर्न हो जाती है द लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि लो प्रेशर बेल्ट ऊपर है, कहां है? इंडियन सबकॉन्टिनेंट में है। These winds gather large moisture, और ये वाली जो विंड होती है लार्ज मॉइस्चर गेन करके जाती है वाइल मूविंग ओवर द वार्म ओशियन। जो वार्म ओशियन है वहां से जाती है और लार्ज मॉइस्चर लेकर जाती है वाइल वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेनलैंड, और जाकर जो हमारी मेनलैंड होती है उस पर क्या कर देती है? रेनफॉल कर देती है ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर दीज विंड्स आर नोन एज द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, और इन विंड्स को साउथ वेस्ट मानसून विंड से बोला जाता है। किसको बोला जाता है? जो ओवर करके जा, ये इंडिया है, ठीक है, यहां पर आपका हाई प्रेशर लो प्रेशर बैंड बन रहा है, ये विंड्स जा रही है, ये हमारा ओशियन है, ओशन से फ्लो करते ही विंड जा रही है, लार्ज मॉइस्चर इन्होंने गेन कर रखा है और यहां गई, और फिर इसके बाद इन्होंने यहां पर क्या कर दी? रेनफॉल कर दी। अब इन्ही विंड्स की वजह से तो बारिश आई है। जो विंड्स इधर से होकर जाती है साउथ ईस्टर्ली, साउथ वेस्टर्ली इनको विंड बोला जाता है। कौन सी विंड बोला जाता है इनको? साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसूनी विंड्स इनको बोला जाता है, क्योंकि इनकी वजह से ही मॉनसून आता है, इनकी वजह से ही क्या होती है? बारिश होती है, इसलिए इनको साउथ वेस्टर्ली या फिर साउथ वेस्ट मॉनसूनी विंड्स कहा जाता है। दीज आर नोन एज द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशन, गैदर मॉइस्चर, ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेनलैंड ऑफ इंडिया। पूरे मेनलैंड ऑफ इंडिया में क्या कर देती है? बारिश कर देती है। अब होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी कि कहां कौन सी बारिश हो रही है। यहाँ भी सेम है, ये जा रही है ना, देखिए ये जा रही है ना विंड्स, ये आपका मानसूनी सीजन है कि कब कहां पर बारिश होती है, ठीक है। देखिए सारी विंड इधर से ही होंगी, देखिए यहां पर भी सारी की सारी विंड कहां से जा रही है? कहां से होती जा रही है? साउथ वेस्ट से होकर जाती है, और इनकी वजह से बारिश आती है, रेनफॉल होता है, इसीलिए इनको साउथ वेस्ट विंड भी कहा जाता है। अब देखिए जेट स्ट्रीम पढ़ते हैं। अब जेट स्ट्रीम क्या है? मैंने आपको बताया नहीं था, जो हमारे हिमालय के नॉर्थ में विंटर के टाइम में जो विंड्स चलती हैं वो हमारी जेट स्ट्रीम होती हैं, और जेट स्ट्रीम नाम से ही पता चल रहा है बहुत ही स्पीड में चलने वाली विंड्स होती हैं। वैसे ही अपने सिलेबस का नहीं है, बट इसको फिर भी आप समझ लो। जेट स्ट्रीम जो होती है वो आपके नॉर्थ में चलती है विंटर में, और हिमालय यहाँ पर एज अ रिलीफ फीचर काम करते हैं, जैसे कि जो जेट स्ट्रीम विंड्स चल रही है हिमालय इनको प्रिवेंट कर लेते। मान लो ये हिमालय है, यहाँ नॉर्थ में जेट स्ट्रीम आ रही है फ्लो करते, अगर हिमालय ना होते तो ऐसे नीचे इंडिया में आ जाती और यहाँ पर एक एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाता है, कोल्ड टेम्परेचर। अब हिमालय है, ये विंड फ्लो करती है, तुमने यहाँ से टक्कर करी और वो उसको आगे फ्लो कर देती है, आगे धक्का दे देती है, वो आगे चली जाती है, जिससे इंडिया में हमें एक्सट्रीम कोल्ड विंड विंटर फेस करने को नहीं मिलते हैं। इनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है, जेट, और जो जेट स्ट्रीम होती है ना वो इस टाइप से फ्लो करती है। देखिए ये जेट स्ट्रीम है, ये अर्थ है आपकी, ये पर्टिकुलर ये वाली जो जेट स्ट्रीम है ये पोलार रीजन जेट स्ट्रीम है। कौन सी है? पोलार, ठीक है, जो पोल्स रीजन की जेट स्ट्रीम होती है वो है। इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इस वाले रीजन के बारे में पढ़ना है, ये है हमारी जेट स्ट्रीम। ये पूरी कंट्री में सिर्फ एक ही फ्लो में फ्लो करती है, ठीक है, ये इस टाइप से सिर्फ अपने एक ही राउंड में फ्लो करती है, यहां से इतनी नीचे नहीं आती, इतनी ऊपर नहीं जाती, सिर्फ एक ही वे में ये क्या करती है? फ्लो करती हुई चलती है, सिर्फ पर्टिकुलर एक ही एरिया में, सिर्फ इतना बेल्ट है इसका, इतने ही बेल्ट में क्या करती है? फ्लो करती हुई चलती है। ओके,
देखिए हमें ये जो पोलर रीजन की हमारी जो जेट स्ट्रीम है इसके बारे में स्टडी नहीं करना है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, हमें बट इस वाली जेट स्ट्रीम के बारे में स्टडी करना है। ये जो जेट स्ट्रीम है ये अपने सिर्फ अगर उनका ये वे है सिर्फ इसी वे में फ्लो करेगी, ना तो वो ज्यादा नीचे जाती है ना ही ज्यादा ऊपर जाती, सिर्फ अपने इस टाइप से एक वे में ही वो क्या करती है, एक वे में ही वो फ्लो करती रहती है। ये होती है, ये क्या है हमारी, ये जेट स्ट्रीम है। इनकी जो स्पीड होती है इनके काफी हाई स्पीड होती है। देखिए जेट स्ट्रीम दीज आर नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड और ये कहीं भी नहीं होती, सिर्फ हाई एल्टीट्यूड पर फ्लो करती है। एक पोलार रीजन है वो सबसे ऊपर की है बट हमें उसके बीच में जो है हाई एल्टीट्यूड पर जो जेट स्ट्रीम है उसके बारे में स्टडी करें। स्पीड बहुत तेज होती है, जैसा कि इनका नाम से पता चल रहा है जेट स्ट्रीम अब 12,000 meters कितने एल्टीट्यूड पर फ्लो करती है, 12,000 meters की जो हाइट एल्टीट्यूड है वहां पर ये फ्लो करती है। वेस्टर्नली विंड इन द ट्रोपोस्फेयर, ये वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न की साइड फ्लो करती है इसलिए इनको वेस्टर्नली विंड्स भी बोला जाता है और ये ट्रोपोस्फेयर में फ्लो करती है इस टाइप से, वेस्टर्न साइड से जाती है ईस्टर्न साइड में। ओके, देयर स्पीड वेरियस फ्रॉम अबाउट 110 kilometers इन समर टू अबाउट 184 kilometers इन विंटर। देखो समर के टाइम में इनकी जो विंड्स की जो स्पीड होती है 110 kilometers पर आवर होती है और वही फ्रॉम हाँ और समर के टाइम विंटर में जो उनकी स्पीड होती है 184 kilometers पर आवर इन विंटर, मतलब विंटर में इनकी जो स्पीड होती है विंड की वो ज्यादा बढ़ जाती है समर के कंपैरिजन में। अ नंबर ऑफ सेपरेट जेट स्ट्रीम हैव बीन आइडेंटिफाइड, द मोस्ट कॉन्स्टेंट आर द माइल्ड लैटिट्यूड एंड द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। अब इनको कुछ नंबर में सेपरेट किया गया है, जैसे कि जेट स्ट्रीम हैव बीन आइडेंटिफाइड द मोस्ट कॉन्स्टेंट आर द माइल्ड लैटिट्यूड, कुछ लैटिट्यूड में सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम भी इनको बोला जाता है। यहां देखिए समर के टाइम में ये इंडिया है, ठीक है, और ये इंडिया के इधर ये जो पार्ट है इधर हमारी ये माउंटेन्स है। समर के टाइम में जो विंड्स होती हैं ये नॉर्थली फ्लो करती है नॉर्थ में, ठीक है, समर के टाइम में नॉर्थ में फ्लो करती है और विंटर के टाइम में ये विंड्स सॉरी विंटर के टाइम में जो ये विंड होती है विंटर के टाइम में कहाँ फ्लो करती है, नॉर्थ में, ये क्या है आपका विंटर, ठीक है, विंटर फ्लो करती है और समर के टाइम में ये साउथ में फ्लो करती है, साउथ में, समर। समर के टाइम में साउथ में फ्लो करती है, विंटर के टाइम में नॉर्थ में फ्लो करती है, जिसकी वजह से जो हमारी कोल्ड विंड आती है जेट स्ट्रीम जो उधर से ठंडी ठंडी हवाएं मॉइस्चर वगैरह लेकर आती है तो यहाँ नॉर्थ में आने की वजह से वो उनको बहाकर अपने साथ में लेकर चली जाती है, ठीक है, और जब ये साउथ में आ जाती है तब क्या होता है समर में वो फ्लो करती है जिसकी वजह से ऊपर का टेम्परेचर हमारा ठीक ठाक सा बना रहता है। ये है हमारी क्या जेट स्ट्रीम, क्या है जेट स्ट्रीम। अब एक नेक्स्ट टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं, अपर एयर सर्कुलेशन। अपर एयर सर्कुलेशन क्या होता है, द अपर एयर सर्कुलेशन जो हमारी जेट स्ट्रीम है वो अपर एयर सर्कुलेशन में है, सिर्फ अपर वाले पार्ट में सर्कुलेट करती रहती है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में और एक ही एरिया में इस टाइप से वो सर्कुलेट करती थी, नीचे नहीं आते ना ज्यादा ऊपर जाते, सिर्फ अपने पर्टिकुलर एरिया में सर्कुलेट करती हैं। ऑफ द रीजन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्नली फ्लोज विच इज गवर्न्ड बाय जेट स्ट्रीम, और इनको वेस्टर्नली फ्लोज बोला जाता है क्योंकि वेस्टर्न साइड से आती है और इंडिया को क्या बोला जाता है, किसकी वजह से गवर्न करती है, जेट स्ट्रीम। Due to their location over 27 degree 30 degree north latitude these jet stream are known as subtropical westerly jet stream, ये 27 degree से 30 degree north के latitude में flow करती हैं, ठीक है, ये 27 degree और ये 30 degree सिर्फ इस latitude में ये फ्लो करती हैं, इससे नीचे नहीं आती और ऊपर भी नहीं जाती। They blow south of the Himalayas throughout the year except in summer, ये देखिए कहाँ बहती है, दे ब्लो साउथ ऑफ द हिमालयस, हिमालयस के साउथ में फ्लो करती हैं एक्सेप्ट द समर, समर को छोड़कर ये कहाँ फ्लो करती हैं, साउथ ऑफ द
हिमालय, जिसकी वजह से जो विंड्स, ठंडी विंड्स इंडिया में आने की, एंटर करने की कोशिश करती है, वो यहाँ आती है और यहाँ से ऐसे करके वापस इंडिया से बाहर ही बाहर चली जाती है, जिसकी वजह से हमें इंडिया में माइल्डर विंटर फेस करने की मिल जाते हैं। नेक्स्ट है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आर वेदर फिनोमेना ऑफ द विंटर मंथ्स ब्रॉट इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो सम ऑफ द मेडिटेरियन रीजन। जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होते हैं जो इंडिया के बाहर, यूरोप, यूरोप हमारा वेस्टर्न पार्ट है इंडिया से, तो वहां पर जो साइक्लोन आता है, ठीक है, वहां पर जो साइक्लोन आता है उस साइक्लोन का इफेक्ट हमें हमारे कंट्री में देखने को मिलता है। वहां मेडिटेरियन सी है, उसका इफेक्ट हमें इंडिया में देखने को मिलता है। और ये कब आते हैं वहां पे साइक्लोन? विंटर में, विंटर मंथ्स ब्रॉट इन दी बाय दी वेस्टर्ली फ्लोस। वहां पर साइक्लोन आए, वहां पर जेट स्ट्रीम चल रही है, बाकी जो ट्रेड विंड्स है वो भी फ्लो कर रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट में आ रही है, तो वो मेडिटेरियन सी में जब साइक्लोन आता है तो वो वहां से मॉइस्चर होल्ड करके इंडिया में आते हैं और इंडिया में आने के बाद इनको माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, उन माउंटेन से वो टकराती है और उसकी वजह से इंडिया में क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। अक्टूबर नवंबर के टाइम में जो आपको रेनफॉल देखने को मिलता है इंडिया के अंदर, उसका प्रॉपर रीजन है आपका जो मेडिटेरियन सी है वेस्टर्न साइड में यूरोप में, उसकी वजह से इंडिया में अक्टूबर और नवंबर में हमें रेनफॉल देखने को मिलती है। दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। और ये जो वेदर, हमारे इस वेदर कंडीशन को नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न जो रीजन है उसकी वजह से हम अपने यहाँ नॉर्थ में भी कुछ चीजों को फील कर पाते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर ड्यूरिंग द मॉनसून एज वेल एज इन द अक्टूबर एंड नवंबर। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, जो मॉनसून आता है हमारे अक्टूबर और नवंबर के टाइम में, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। एंड अ पार्ट ऑफ द ईस्टर्ली फ्लो, दोज डिस्टर्बेंस अफेक्टेड कोस्टल रीजन ऑफ द कंट्री। जो हमारे कोस्टल रीजन को भी अफेक्ट करता है, हमारे कोस्टल रीजन पे भी इसका बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है। देखिए जैसे ये विंड्स चल रही है, यह है आपका मेडिटेरियन सी यहाँ पर और यह है आपका ब्लैक सी। देखिए यहां पर भी लैंड एरिया है, ठीक है, ऐसे समझो इसको, यहां पर भी क्या है, लैंड एरिया, और लैंड एरिया पे क्या बन रहा है यहाँ पर, लो प्रेशर, यहां पर भी लो प्रेशर, यहां पर भी लो प्रेशर बन रहा है, यहां पर भी लो प्रेशर बन रहा है, और वाटर में क्या बनता है, ओशन में हाई प्रेशर, ओशन में हाई प्रेशर बन रहा है, ठीक है। तो विंड यहां से यहां जा रही है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तो ये ऐसे ऐसे करके राउंड 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 मूव कर रही है, जिसकी वजह से यहां पर क्या बनते हैं, यहां पर बन जाते हैं साइक्लोन। क्या बनते हैं? साइक्लोन। और जब ये विंड यहां से ऐसे फ्लो करती हुई जाती है, इस टाइप से जब ये विंड यहाँ फ्लो करती जाती है, अब यहाँ पर साइक्लोन से इन्होंने मॉइस्चर उठाया और उसको लेकर जाती है, यहां पर मिल गए इनको माउंटेन्स, यहां से टकराए, अब यहां से आते आते जो विंड्स है वो बहुत ज्यादा थक गई, अब उनको रिलैक्स करना है। क्यों ज्यादा थक गए? क्योंकि वो अपने साथ मॉइस्चर होल्ड करके चल रही थी। जब इंसान थक जाएगा तो जो सामान उसे ले रखा है वो उसको वहीं पर छोड़ देगा। इसके वजह से इन्होंने जो मॉइस्चर होल्ड कर रखा था उसने इसको यहाँ पर छोड़ दिया और यहाँ पर क्या हो गई, प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, बारिश हो गई। अब वो जो, अब क्या बची, सिर्फ विंड बची, वो आगे फ्लो करके चली जाती है, ठीक है। तो प्रॉपर ये चीजें थी, ये है हमारा जो हमें अक्टूबर नवंबर में भी रेनफॉल मिलते हैं वो कहीं ना कहीं मेडिटेरियन और ब्लैक सी की वजह से होता है, यही ट्रॉपिकल रीजन है। अब देखिए यहाँ पर भी सेम है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं हमारे इंडिया में भी साइक्लोन आते हैं, उसका भी रीजन, मान लो ये इंडिया का पार्ट है, ठीक है, ये इंडिया है और ये आपका ओशियन पार्ट है, अब यहाँ पर क्या बन रहा है, लो प्रेशर, ठीक है, यहाँ पर भी लो प्रेशर बन रहा है, अब यहाँ से विंड इधर चलेंगी, जब चारों साइड से ऐसे ऐसे विंड चलेंगे तो राउंड 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 मूव हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या आ जाते हैं हमारे, ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या आते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, क्योंकि चारों साइड से हमें क्या मिल रहा है, लो प्रेशर। देखो इधर से भी लो प्रेशर, इधर से भी, तो सारा लो प्रेशर मिलकर कहां जाएगा, हाई प्रेशर की तरफ। अब हाई प्रेशर इधर भी जाएगा, इधर भी, तो ऐसे 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 मूव करता है, जिसकी वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं। द वेस्टर्ली फ्लो ब्रिंग्स द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। In the summer, the subtropical westerly jet stream moves north of the Himalayas due to the apparent shift of the sun. देखो जो summer के time में जो subtropical westerly jet stream होती है वो move कर जाती है कहाँ पर? North of the Himalayas. Summer के time में वो north की side में move कर जाती है। Jet stream जो होती है summer के time में north में होती है और winter के time में कहाँ जाती है? South में आ जाती है। जिसकी वजह से
हमारे इंडिया में जो गर्मी है वो बाहर निकल जाती है और थोड़ा सा मतलब जो चीजें हैं टेम्परेचर वो ठीक ठाक रहता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा सन है वो शिफ्ट कर जाता है। एंड ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम कॉल्ड सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लोस ओवर पेनिनसुलर इंडिया अप्रोक्सीमेटली ओवर 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ्स। समर मंथ्स में एक सब ट्रॉपिकल आपकी जेट स्ट्रीम होती है जिसको ईस्टर्ली बोला जाता है, जो ईस्टर्ली साइड से आती है, इस टाइप से आती है। ओके, इस टाइप से आती है। किस डिग्री पे आती है? 14 डिग्री के करीब चलती है ये नॉर्थ में, जिसको ईस्टर्ली सब ट्रॉपिकल विंड्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक बचा है हमारा, ये है, आई होप आपको वेस्टर्न साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए हैं तो चलिए मैं एक बार दोबारा बताती हूँ। अब आप इसको मैप में देखिए इंडिया की, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए, अब यहाँ है, देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है? लो प्रेशर, क्योंकि लैंड पे क्या बनता है? लो प्रेशर। यहाँ पर भी क्या बन रहा है? लो। और ये सारा जोन क्या है हमारा? ये ट्रॉपिकल जोन है। ठीक है, और यह क्या बन रहा है हमारा? हाई प्रेशर बन रहा है। यहाँ पर भी क्या बन रहा है हमारा? लो। यहाँ से विंड इधर आ रही है, यहाँ से विंड इधर, यहाँ से भी विंड इधर। अब तीनों साइड से जब विंड आएगी तो वाटर क्या करेगा? वो साइक्लोन की तरह मूव करेगा ना, जिसकी वजह से क्या आ जाते हैं? साइक्लोन। तो इसी को बोला जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। और वेस्टर्ली साइक्लोन होता है जो मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी में आपको देखने को मिलते हैं, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कोरियोलिस फोर्स। देखिए कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? एंड एप्रेंट फोर्स दैट एज अ रिजल्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन डिफ्लेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक एयर करंट्स ऑफ द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ क्यों आई है? अरे तो डेड ऊपर होंगे, यहाँ थोड़ी है। मेरा क्यों खून पी रही है? छोटी किन्ने बनाई? सही नहीं बनाई, इधर मैं सही करूं। और यहाँ क्यों आई नायरा? और चिमटी भी लगा लिया, चिमटी लगा के अच्छी लगेगी। हाँ चिमटी लगा ली, पापा बोलते चिमटी लगा देंगे। और तू तो यहाँ क्यों आई? मैं वीडियो बना रही थी। तो डैडू ऊपरी होंगे, नीचे नहीं आए हैं? नहीं आए। नीचे बेटा ऊपर जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। चोटी भी देखो, ऊपर बुला रहे हैं, जा अभी मैं आ रही, तेरी चोटी बनाऊंगी मैं, उसे छोड़। आएगी ऊपर जाकर तो देखेगी मुंह धोने गए होंगे, वॉशरूम गए होंगे, नीचे आ गए भाग के। मैं आ रही हूँ, तेरी चोटी सही से बनाऊंगी। ठीक है, जाइयो मत जब तक। देख हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोरियोलिस फोर्स। देखिए कोरियोलिस क्या होते हैं हमारे? एन एपरेंट फोर्स दैट एज अ रिजल्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन, एक वो फोर्स जो अर्थ के रोटेशन में काम करती है, वो कोरियोलिस फोर्स होती है। काम कैसे करती है, चलिए देखते हैं। रोटेशन डिफ्लेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक एयर करंट। जो भी कोई ऑब्जेक्ट हमारे एयर करंट में मूव करता है, डिफ्लेक्ट करता है टू द राइट इन द नदर हेमिस्फेयर। नदर हेमिस्फेयर में वो राइट साइड में जाती है एंड द लेफ्ट इन द सदर हेमिस्फेयर, और लेफ्ट में वो सदर हेमिस्फेयर में जाती है। दिस इज नोन एज द फेरल लॉ। और ये कैसे होता है ये देखिए, चलिए ये है हमारी इक्वेटर 0 डिग्री पर। ओके, जब नदर हेमिस्फेयर में कब का है? नदर हेमिस्फेयर राइट, जब भी मूव करके नदर हेमिस्फेयर के इस टाइप से जो विंड्स हमारी जाती है, ये नदर हेमिस्फेयर में जा रही है ना, तो ये किस साइड जा रही है? राइट की साइड में जा रही है। वैसे तो विंड नॉर्मली इस टाइप से भी जा सकती है, बट वो इस टाइप ऐसे मूव क्यों हो जाती है? क्योंकि अर्थ मूविंग एक रोटेशन जोन में है, एक मोशन में है, जिसकी वजह से उस पर कोरियोलिस फोर्स काम कर रही है। उस कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो ऐसे कर्व में मूव हो जाती है, जो हमारी विंड्स होती हैं, ये किस साइड मूव होती है? राइट्स में। और यही चीज जब सदर्न हेमिस्फीयर में विंड्स आती हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स होती हैं, वो इस टाइप से आने को तो ऐसे आ सकती है, बट ये भी इस टाइप से मूव करके आती है लेफ्ट में। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में किधर आ रही है? लेफ्ट। एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये राइट में होकर चलती है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। दिस इज नोन एज अ फेरल लॉ, और इसको एक फेरल लॉ बोला जाता है। दिस लॉ स्टेट्स दैट विंड इन एनी डायरेक्शन टेंड्स टू बी डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स राइट, वेस्ट टू ईस्ट। और ये कैसे चलती है? वेस्ट से ईस्ट में चलती है, जैसे कैसे मूव करके वेस्ट टू ईस्ट में गई है ना, तो वेस्ट और ईस्ट में चलते हैं इन
नदर हेमिस्फेयर, जब ये नदर हेमिस्फेयर में चलती है तो ये वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं, एंड टू इन द सदर हेमिस्फेयर विद अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द विंड इन क्वेश्चन. इज वेलोसिटी द सेम ऑफ द लैटिट्यूड एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ रोटेशन. और जब ये सदर्न हेमिस्फेयर में चलती हैं तो उस पर अर्थ की फोर्स, विंड, ये सारी की सारी जो उसकी वेलोसिटी होती है सब वर्क करती है, जिसकी वजह से वो मूव के नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स फिर ये चलना स्टार्ट हो जाती है. जो आपका लो प्रेशर बेल्ट होता है वो भी इस पे एक अलग ही रोल प्ले करता है. ठीक है, ये देखिए ये विंड सारी ऐसे आ सकती हैं बट ये फिर ऐसे मूव होकर चलती हैं और यही बाद में इस टाइप से इस साइड में मूव कर जाती है, लेफ्ट में आ रही है और ये राइट की तरफ में जा रही है. तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है हमारे कोरियोलिस फोर्स की वजह से. तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी. सारी चीजें क्लियर होगी, अगर इसके बाद भी किसी को किसी भी छोटे से छोटे टॉपिक में डाउट होता है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन एंड कमेंट. ठीक है, कोई भी डाउट है आप इसको नोट कर लीजिए, पढ़ते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए. तो चलिए बाकी के जो टॉपिक हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नई सी मस्त से टॉपिक के साथ.